गुड मॉर्निंग। आज हम दोस्तों ऑब्जेक्ट देखेंगे और उसको एडिट कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम किसी दो ऑब्जेक्ट को एक ही मेश में एडिट कर सकते हैं, कैसे हम दो ऑब्जेक्ट को जॉइन करके एडिट कर सकते हैं और कैसे उसी ऑब्जेक्ट को हम एडिट मोड में सेपरेट कर सकते हैं, उसके अलग-अलग पोर्शन जो है उसको सेपरेट कर सकते हैं, तो उसके रिलेटेड ये वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ऐड में जाएंगे, मैश में जाएंगे, एक में यहाँ पे क्यूब ऐड कर देता हूँ। अब इस क्यूब को मुझे एडिट करना है तो सिंपल हम यहाँ से एडिट मोड में जाएंगे या तो फिर मॉडलिंग में चले जाएंगे या तो फिर यहाँ से ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे। लेआउट में जाके हम एडिट मोड में जाके भी एडिट कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे मॉडलिंग में जाके भी एडिट कर सकते हैं, जो भी आपको परफेक्ट लगे उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट की जो है वो टैब बार है, टैब से भी आप एक बार टैब प्रेस करेंगे तो एडिट मोड में जाएंगे, दूसरी बार टैब प्रेस करेंगे तो वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ जाएंगे। टैब 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 टैब, ठीक है। और मॉडलिंग में जाएंगे तो भी ये इन कमांड हो जाएगा, कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो सपोज अब मुझे इसमें इसको एडिट करना है, जैसे मुझे ये वाला जो एक मेरा मैश है तो यहाँ पे अभी तीन पोर्शन है, वर्टेक्स है, एज है, देन फेस है। अब फेस को मुझे एडिट करना है तो आप कभी कर सकते हैं, यहाँ से इसको मूव करना है सिंपल तो आप फेस को आप मूव कर सकते हैं, इसको रोटेट करना है फेस को तो आप रोटेट कर सकते हैं, जो कुछ भी आपको करना है यहाँ से कर सकते हैं, स्केल करना है तो आप स्केल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। और इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है एडिटिंग का वो क्या है, तो आप यहाँ पे अभी कुछ भी कर रहे हैं, जैसे आपने इस चीज को मूव कर दिया, ऑब्जेक्ट को मूव कर दिया, और जैसे ही आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में आ गए वापस, तो आप जैसे इसको अंडू करेंगे तो कंट्रोल जेड 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 मैं करूँगा तो ये एक अंडू जो है वो हमने जो भी एडिटिंग किया है उसकी भी हिस्ट्री को ये अपने दिमाग में रखता है और अंडू करता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिंपल अगर हम एडिट मोड में से एक बार बाहर निकल गए तो उसके अंदर जो हमने एडिट किया है उसको हम कभी भी अंडू नहीं कर सकते थे, बहुत ही प्रॉब्लम होता था। तो अभी ब्लेंडर में क्या हुआ कि अगर आप एडिट करने के बाद वापस ऑब्जेक्ट मोड में आ गया और फिर आपने इसको रोटेट कर दिया, कुछ भी चेंजेस कर दिए और फिर आपको लगा कि नहीं अब मुझे इसका अंडू करना है वापस, मुझे वही एडिट मोड में वापस अंडू करके चले जाना, तो आप सिंपल कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो आपने एडिट मोड में जो चेंजेस किया था उसको भी ये अंडू कर देगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और सिंपल अगर आपने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लिए, मैं एक डुप्लीकेट कर देता हूँ, इसको शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है और इन दोनों को मुझे एक साथ एडिट करना है, तो आप दोनों को सिलेक्ट करके सिंपल आप यहाँ एडिट मोड में जाके दोनों को एक साथ एडिट कर सकते हैं। अभी ये दो मैश है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, यानी दोनों में हम वर्क कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ज्वाइन नहीं है। जैसे मुझे इन दोनों को अभी ज्वाइन करना है, इन दोनों को मुझे फिलअप करना है कि यहाँ पे एक मुझे फेस बनाना है, इनको फिलअप कर देना है। तो जैसे मैं एफ प्रेस करूँगा तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये दो ऑब्जेक्ट है, दोनों अलग हैं, इन दोनों को मुझे पहले ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैश में जाएंगे तो यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन ज्वाइन शॉर्टकट उसका जे है ज्वाइन का, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आएगा ज्वाइन, ज्वाइन करना है मुझे, सिलेक्ट इसके साथ ज्वाइन करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट में जाओ, यहाँ से ज्वाइन कर दो। अभी ये दोनों जो है वो ऑब्जेक्ट को ज्वाइन हो गए, सिंपल मैं टैब प्रेस करूँगा। अब इन दोनों को मुझे फिल करना है तो एफ प्रेस करेंगे तो दोनों के बीच में ब्रिज हो जाएगा, फिल हो जाएगा। इन शॉर्ट में आपको किसी भी दो ऑब्जेक्ट को अगर साथ में रखना है तो फिर आपको उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर ही आप उन दोनों को एक साथ काम कर सकते हैं, वरना फिर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसी तरह अगर आपको सेपरेट करना है कोई चीज़, जैसे मुझे ए फेस दोनों मैंने शिफ्ट होल्ड प्रेस करके दोनों फेस सिलेक्ट कर दी और मुझे इनको सेपरेट करना है सपोज, तो
आप सेपरेट बी कर सकते हैं यहाँ से, सेपरेट शॉर्टकट बी है। सेपरेट में आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, बाय मटेरियल अगर आपको सेपरेट करना है, बाय लूज पार्ट्स आपको सेपरेट करना है, कि सिलेक्ट वाइज आपको सेपरेट करना है। तो मैंने जो अभी यहाँ पे दो फेस सिलेक्ट की है उनको ही मुझे क्या करना है, सेपरेट करना है। तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा सेपरेट में, यहाँ पे है सेपरेट मैश, यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्शन में सेपरेट। तो अब मैं यहाँ एडिट मोड में से वापस आ जाता हूँ, तो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा अलग है, और ये जो मैंने सेपरेट किया था वो पोर्शन पूरा अलग हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में से मुझे कभी भी किसी को सेपरेट करना हो, और कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को मुझे ज्वाइन करना हो, और फिर उसको एडिट करना हो, एडिट मोड में जाके आपको एडिट करना हो, मॉडलिंग मोड में जाके, टैब में जाके आपको एडिट करना है, तो भी आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको कलेक्शन के बारे में बताऊंगा कि ब्लेंडर में कैसे लेयर वाइज हम कलेक्शन करके वर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।